सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द इंजीनियर एंड एनालिस्ट। तो आज जो है 30th सितंबर का डे है। मैं आज आपको अपने एक व्यूअर का लॉस शेयर कर रही हूँ, एक गलत ऑप्शन ट्रेड जो उनकी चली गई वो शेयर कर रही हूँ, जिससे उन्होंने आज 57,644 अराउंड 57,644 रुपीज़ का लॉस किया है। अब मैं आपको ये वीडियो इसलिए आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो भी नए व्यूअर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। हालांकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी रेगुलरली आपको ये बताया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से एक न्यू ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर आके मार्केट में फंस जाता है और पैसा गवा के जाता है। तो इन्होंने जो आज की ट्रेड ली थी 30th सितंबर की, इन्होंने 17,700 की कॉल ली थी और वो कॉल लेने के बाद आपने देखा कि मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई। पहले साइडवाइज रही, फिर नेगेटिव चली गई। तो इनकी जो सबसे बड़ी गलती थी, पहली तो ये कि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। जब भी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। मैंने वीडियोस बना रखे हैं कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जिन भी लोगों को नहीं पता है कि जब आप पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से स्टॉप लॉस लगाते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना लिंक दे रही हूँ जो मैंने वीडियो शूट किया है कि ऑप्शंस में कैसे लगाएं स्टॉप लॉस, उसको ज़रूर देखें। तो जितने भी न्यू ट्रेडर हैं या जो लोग नहीं जानते हैं, वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। तो पहली गलती तो इनकी ये थी कि इन्होंने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करी। दूसरी जो इनकी बड़ी गलती थी वो ये कि एक नए ट्रेडर हैं, इन्होंने काम शुरू किया दो लॉट से लेकर के वो काम कर रहे थे, उनको दिखा कि उनकी ट्रेड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और फिर उसको एवरेज आउट वो करते चले गए। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उन्होंने 72,500 की क्वांटिटी में काम किया और ये मार्केट क्लोज होते होते इसका एवरेज प्राइस रह गया 0.85। तो मेरा दूसरी जो इनकी गलती ये है कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं और अगर आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको खुद अपना 3,000 रुपए का लॉस दिखाया था कि किस तरह से अपनी नेगेटिव ट्रेड, जो मेरी लॉस में जा रही थी ट्रेड, उसमें मैंने एवरेज आउट करा और वो मेरे लॉसेस बढ़ गए। तो जो लॉस इनका 5,000 रुपए हो सकता था, वो लॉस इनका 57,000 का हो गया क्योंकि ये अपनी क्वांटिटी बढ़ाते गए और अपने लॉसेस को एवरेज आउट किया। इन्होंने बेसिकली ये सोचा कि नहीं, मार्केट अब मेरे फेवर में आएगी, तो ये एक बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट में सेंटीमेंट से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट में हमेशा ग्राफ देख करके, चार्ट देख करके कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, आपको उस हिसाब से छोटे लॉसेस लेके एग्जिट कर देना है। तो इनकी दूसरी गलती थी कि इन्होंने एवरेज आउट किया। और इनकी तीसरी गलती ये है कि जब इनको लॉस हो रहा था तो ये इमोशनल हो गए, इन्होंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, ये उसे लेकर बैठे रहे। मैंने बहुत पहले 4-5 महीने पहले एक वीडियो आपको दिया था कि आपको अपने लॉसेस जो हैं वो कम करने हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं होगा, मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन जहां हम उसमें अपने इमोशंस यूज करते हैं और हम ट्रेड को लेके बैठ जाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा छोटा मोटा लॉस हो रहा है। तो उस चीज को हम अपने इमोशंस में आकर के जब हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और हम इस उम्मीद में आते हैं कि नहीं, मार्केट अब हमारे फेवर में आएगी, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे लॉसेस लेके अपनी ट्रेड एग्जिट कर देनी है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक में एक नए उत्साह के साथ, नए प्लानिंग के साथ आपको मार्केट में आना है। तो तीसरी गलती इनकी ये थी कि इन्होंने ट्रेड एग्जिट नहीं किया और ये बैठे रह गए उसको लेकर के कि कैसे ये बैलेंस होगी। सो आज का वीडियो जो मैंने बनाया है ये बहुत स्ट्रांग है, ये तीन गलतियाँ एक नया ट्रेडर, और इनको चौथा ये इनकी गलती थी कि इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट से, आप देख सकते हैं कि ट्रेड समरी में दिख रहा है कि इन्होंने 61,270 रुपीज़ लगाए हैं। ये एक बहुत बड़ी इनकी गलती है। मेरा एक डिस्क्लेमर है यहाँ पर कि जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं वो एक लॉट में काम करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2,000 से 3,000 रुपये ही लगा के देखें अपनी पहली ट्रेड में। 3,000 के ऊपर आपको ऑप्शंस में कतई नहीं जाना है, और जो आप, अगर आपका लॉस भी हो रहा है पहली ट्रेड में तो वो 300 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए, 300 से 400 रुपये, क्योंकि मेरे भाई प्रॉफिट तो आप धीरे धीरे कमाएंगे मार्केट में ग्रेजुअली, जैसे जैसे आप लर्न करते रहते हैं। तो जिन भी लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पढ़ा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। थोड़े से इंडिकेटर्स हैं, चार्ट एनालिसिस है जो आपको करनी है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो जितने भी, ये चौथी गलती है कि कभी भी बड़ी कैपिटल के साथ आपको, अगर आप नए हैं मार्केट में, तो आपको ट्रेड नहीं करनी है। और पांचवी इनकी गलती ये थी जो मैंने बोला था कि कभी भी आपको बिना चार्ट देखे ट्रेड नहीं लेनी है। इन्होंने कोई भी चार्ट एनालिसिस नहीं किया, कैंडल्स नहीं देखी और ये उस ट्रेड को लेकर के बैठ गए। तो आज के वीडियो में मैंने पांच बड़ी गलतियां बताई हैं जो एक नया ट्रेडर करता है, जिसमें से कि पहली गलती ये है कि आपको स्टॉप लॉस लगाए बिना काम नहीं करना है।
दूसरी गलती ये है, दूसरी लर्निंग ये है कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है तो आपको उसको एवरेज आउट नहीं करना है। तीसरी ये है कि छोटे लॉसेज लेके मार्केट से एग्जिट कर जाना है, इमोशनल नहीं होना है। चौथी ये है कि अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बहुत कम कैपिटल में काम करना है, 3,000 रुपये से लेकर के 4,000 रुपये पे। पांचवी सीख ये है कि हमें कभी भी मार्केट में लेके अपनी ट्रेड को बैठना नहीं है 300-400 के लॉस में। एग्जिट करने के बाद हमें नेक्स्ट डे न्यू ट्रेड के लिए चार्ट देख करके, कैंडलस्टिक चार्ट देख करके मार्केट में आना है। तो मैं चाहती हूँ आज का वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्यूअर्स मेरे देखें, लाइक करें, शेयर करें और इसको स्प्रेड करें ताकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि अपना हार्ड अर्न मनी लेके आते हैं मार्केट में उसे लूज ना करें। सो साइनिंग ऑफ द इंजीनियर एंड एनालिस्ट। और साथ के साथ ही मैंने लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, जो लोग पेटीएम मनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो उस पेटीएम मनी में मेरे लिंक को यूज़ करके अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगी, ब्रोकरेज चार्जेस में बेनिफिट्स है, सो यू कैन डू दैट। सो साइनिंग ऑफ द इंजीनियर एंड एनालिस्ट, डू नॉट टेक ट्रेड्स इन एनी काइंड ऑफ विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ द एनालिसिस। थैंक यू सो मच।